योगी राज में अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं, क्योंकि यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर वाले बाबा सीएम बने हैं। तो बुलडोजर की कार्रवाई ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो न सिर्फ अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, बल्कि अपराधियों को चेतावनी देने के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ खुद ही अर्जी देकर अपने अवैध निर्माण को गिराने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आने लगी है कि भू माफिया अवैध कब्जे खुद ही छोड़ने लगे हैं। लखनऊ से लेकर नोएडा तक, गोरखपुर से लेकर प्रयागराज तक, इस रिपोर्ट में आप देखिए बाबा के बुलडोजर का खौफ। शहर शहर बुलडोजर का कहर, अपराधियों में बुलडोजर बाबा का खौफ। अवैध कब्जा छोड़ भागे माफिया, ये बाबा का बुलडोजर है, रुकेगा नहीं। बुलडोजर बाबा नाम तो सुना ही होगा, ये पहचान है अपराधियों पर कार्रवाई की, ये पहचान है बड़े बड़े माफियाओं के दिमाग में बैठे प्रशासन के खौफ की, और इस पहचान का केंद्र है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्ष ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहा तो सीएम योगी को यह नाम बेहद पसंद आया और उनका बुलडोजर के प्रति प्यार भी जगजाहिर हो गया। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। इतना ही नहीं, अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे सीएम योगी ने अपनी इस पहचान को बरकरार रखने के लिए दूसरी बार शपथ लेने के बाद ही बुलडोजर की रफ्तार भी बढ़ा दी है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार कई बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर की। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में आरोपी और निलंबित चल रहे पुलिस अधिकारी नारायण सिंह की अवैध संपत्ति पर लखनऊ में बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। रामपुर से तो अजीबोगरीब मामला सामने आया है। तहसील शाहबाद के गांव मित्रपुर आरेला के बाशिंदों एहसान ने तालाब और कब्रिस्तान पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान बनाने की बात मानी और प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही एहसान एसडीएम के पास पहुंचा और अपने मकान को गिराने के लिए अर्जी लगा दी। मेरा पुश्तैनी मकान, दादा पर दादा के टाइम का मकान था, वो जब नक्शे में देखा गया है तो वो तालाब की भूमि पाई गई है वहाँ पर। मैंने एसडीएम साहब से आपत्ति लगाई, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ये मकान है, मकान को गिरवाया जाए। तो वहाँ मेरा ही विरोध शुरू हो गया कि तुम ही चाहते हो और कोई नहीं चाहता। वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए हैं तालाब में, मौजूदा प्रधान का घर भी है और भी लोग हैं, तो वो वहाँ मुझे, तो इससे मुझे आज की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान का भी खतरा है। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ, या तो मुझे सिक्योरिटी पर रिपोर्ट करी जाए, वरना इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। नोएडा में भी अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला। नोएडा के सेक्टर 134 में डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने बुलडोजर ले जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। संगम नगरी प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पीडीए के अधिकारियों ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसके पार्टनर अतुल द्विवेदी की करीब 150 बीघे से ज्यादा जमीन पर की गई अवैध प्लानिंग पर बुलडोजर चला दिया। उन पर आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया गया था। सहारनपुर में तो नजारा और भी गजब का दिखा। ढोल बजाते हुए पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची, जहां दुष्कर्म के दो आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी गई और सरेंडर ना करने पर घर पूरी तरह से ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई। तो वहीं बीजेपी के नेता चंद्रमोहन ने एक वीडियो ट्वीट कर यह दावा किया कि एटा में सपा नेता रामनाथ सिंह यादव के मन में योगी जी के बुलडोजर का भय दिखा, इसलिए अवैध कब्जा कर बनाए हुए अपने कोल्ड स्टोर को खुद ही अपनी लेबल लगाकर तुड़वा दिया। तो देखा आपने, अवैध निर्माण पर तो बाबा का बुलडोजर चल ही रहा है,
कई लोगों में इतना खौफ है कि खुद ही अवैध निर्माण तोड़वाने के लिए प्रशासन के पास अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं, तो कुछ खुद ही अवैध कब्जा छोड़ने लगे हैं। वहीं पुलिस ने भी चेतावनी देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।